Welcome to my blog on Tanvir's social presentation. Today I am present with the new education, critical thinking and some important points to discuss about the new education policy 2020. Now in 2016, committee to evaluate the new education policy was formed under the chairmanship of late Sri J.S.R. Subramaniam, who was cabinet secretary. उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके मिनट्स प्रिपेयर कर गए, इनपुट्स प्रिपेयर कर गए और वो दिया गया। एक नई कमेटी फॉर्म की गई 2017 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट एंड पद्म विभूषण मिस्टर के कस्तूरीरंगन। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की 31 मई 2019 में टू द एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर पोखरियाल निशांक पोखरियाल। इसके बेस पे यह नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 ड्राफ्ट की गई, अप्रूव की गई अभी 3 दिन पहले। उसमें उन्होंने कुछ प्रोविजन किए गए, अभी 34 साल बाद करीब करीब आई है पॉलिसी। सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी बनी वो 1968 में बनी इंदिरा गांधी के अंडर में। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के टाइम पे कुछ रिविजन किया गया उसमें। फिर 1992 में कुछ प्रोविजन उसमें ऐड किए गए। उसके बाद अब ये करीब 28 साल बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 जो कि 480 पेजेस की थी, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने समरी करके उस समरी निकाल के उसके एक छोटा सा ड्राफ्ट बनाया 60 पेजेस का, जिसमें उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को डिस्क्राइब किया है। पहले चीज है कि मिनिस्ट्री का नाम बदल के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बन गया एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छा कदम है। दूसरा 10+2 सिस्टम खत्म करके 5+3+3+4 सिस्टम को, जो कि न्यू कैरिकुलर और पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क के नाम से आया, वो इम्प्रूव करा गया। 5 साल से मतलब ये है कि 3 साल प्रिपरेटरी में और फिर फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो पहले फर्स्ट एंड सेकंड आप प्रिपरेटरी कर दिया, 3 साल उसमें ऐड कर दिए, जो कि प्रिपरेटरी क्लास होगी या नर्सरी स्कूल में होगी या बाल वाटिका होगी 5 to 6 ईयर होगी। उसके बाद 2 साल फर्स्ट और सेकंड के, उसके बाद 6 to 8 एंड देन 9 to 12 एंड उसके बाद 4 साल ग्रेजुएशन के। तो कुल मिला के 5+3+3+4 सिस्टम कर दिया गया। ना उन्होंने कहा सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट दिया वो दिया ECCE फॉर ऑल बाय 2030 या नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ECCE। ECCE मीन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को लागू करने के लिए उन्होंने कहा। तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें। पहला है RTI सर, RTI विल बी एक्सपेंडेड। RTI में राइट टू एजुकेशन जो 2019 में इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें प्रोविजन था 6 to 14 ईयर्स फ्री एजुकेशन, ना उसको 3 to 8 उसमें ऐड कर दिया गया। तो एक अच्छा कदम है अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा मिड डे मील जो स्कूल में प्रोवाइड किया जाता था उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि लोग को हेल्थ अच्छी रहे स्टूडेंट की और पढ़ाई में ध्यान लगा सकें और ज्यादा एनरोलमेंट हो। तीसरा जो है ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, थर्ड के बाद एडमिशन लेते धीरे धीरे 10th तक आ जाते, बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हो जाते स्कूल से किसी भी वजह से, गरीबी है या कुछ भी है। तो ये क्या है उसमें 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्कूल में बढ़ाया जाएगा बाय 2030। अच्छा प्रोविजन है। देन स्कूल कॉम्प्लेक्स, बहुत से स्कूल छोटे छोटे स्कूल हैं जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती, लाइब्रेरी की या म्यूजिक टीचर नहीं रख सकते, तो वो कहा गया कि उसमें 2-4 स्कूलों को मिला गया कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करें जहाँ पर सब फैसिलिटीज दी जाएंगी, उसमें पैसा खर्च किया जाएगा। अब वो देखना है क्या करा जाता है क्या नहीं करा जाता उसमें, आगे देखेंगे, क्योंकि ना तो लीगली बाउंडिंग है, ना ही रेगुलेटेड है, ना नोटिफाइड है, ना इसमें बजट में कोई उसका मेंशन है, तो इसके लिए नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कब लॉ बनाते हैं, कितना इम्प्लीमेंट करते हैं कितना नहीं करते हैं, तो देखने की बात है। कब करते हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। दूसरी चीज उन्होंने कही स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने कहा पैरा टीचर्स या गेस्ट टीचर्स रखे जाते थे, उन्हें रखा जाए पूरे फुल टाइम टीचर्स रखे जाए 5,000 में 6,000 में रख लेते थे थोड़ी देर के लिए, जब उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी पढ़ाएंगे तब वो कहा गया उसको खत्म कर दिया जाए और परमानेंट टीचर्स अपॉइंट किए जाएं। वो भी रिक्रूटमेंट जो है बेस्ड होगा TET, टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, NTA,
एंड टीचिंग डिमॉन्स्ट्रेशन प्लस टीईटी मैंडेटरी फॉर द टीचर्स, टीचर्स को मैंडेटरी कर दिया गया प्री प्राइमरी से 12th तक के लिए। देन मिनिमम 50 आवर्स ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग पर टीचर पर ईयर शुड बी कंपलसरी। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST बाय 2020 भी लगाया जाएगा। तीसरा क्या, 10 days बैगलेस इंटर्नशिप विथ लोकल ट्रेडर क्राफ्टमैन, वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट 6th ऑनवर्ड्स किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वह है एजुकेशन अप टू 5th इन रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज और देयर मदर टंग, और कागज को 8th तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं। बट उसके लिए अभी से UN किराया स्टार्ट हो गया, लोग कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे। और ये भी माना जा रहा है कि गवर्नमेंट या किसी भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी चीफ मिनिस्टर में ताकत नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों को खत्म कर दे, तो ये लागू होना बड़ा मुश्किल है, देखते हैं कब लागू होता है नहीं होता। दूसरा 10+2 खत्म कर दिया पूरी तरह से, और सब्जेक्ट से वो कंपलसरी भी खत्म कर दिया, सब तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर कर दिया गया। अब कोई भी लड़का साइंस फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री पढ़ सकता है, ज्योग्राफी पढ़ सकता है, म्यूजिक पढ़ सकता है, अपने इंटरेस्ट का कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। और ये भी कहा IITs और बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में भी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जा सके, उसको सारे सब्जेक्ट्स का की नॉलेज अच्छा कदम है तो लोग अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। टीचर्स में बताना बोलेगा BEd क्वालिफिकेशन डिग्री जो है वो 4 years की कर दी गई इंटीग्रेटेड BEd बाय डिग्री बाय 2030। नाउ आते हैं कॉलेज, उन्होंने कहा है कि कॉलेज के लिए 4 years जो ऑनर्स करेंगे और 1 साल का BA MA और उसके बाद डायरेक्ट PhD। 4 साल की डिग्री को भी उन्होंने बायफर्केट कर दिया, अगर कोई 2 साल पढ़ के छोड़ देता है 1 साल के लिए 2 साल के लिए चला जाता है या नहीं पढ़ता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो दोबारा आ सकता है, उसके पॉइंट जो है क्रेडिट पॉइंट जो है बैंक में जमा हो जाएंगे डिजिटल बैंक में, वहां से वो ले सकता है अपने पॉइंट्स और उसमें ऐड करके दोबारा पढ़ सकता है या अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। 3 साल बाद छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा और 4 साल बाद छोड़ता है तो उसको डिग्री दी जाएगी पूरी 4 साल पूरे, फिर उसके बाद 1 साल का MA और उसके बाद डायरेक्ट PhD। फिर PhD में कहा गया कि हर आज को एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा फॉर टीचिंग डिमॉन्स्ट्रेशन। उसमें कहा और दूसरा क्या, हाई क्वालिटी बायलिंगुअल टेक्स्ट बुक फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स बनाई जाएगी। दूसरा उन्होंने स्कूल में कहा कि अभी इवैल्यूएशन, पहले टीचर्स एवल्यूशन इवैल्यूएशन करते थे, उन्होंने कहा नहीं पहले बच्चा अपना एवल्यूएशन इवैल्यूएशन खुद करेगा, दूसरा उसके दोस्त करेंगे इवैल्यूएट उसको, और तीसरा उसका टीचर करेगा इवैल्यूएट, और तीनों को मिला के उसकी रिपोर्ट कार्ड बनाई जाएगी। ये भी एक अच्छा कदम है, बच्चा अपने आप को इवैल्यूएट कर सकता है, अच्छा कदम है, देखते हैं क्या करना जा रहा है क्या होता है। दूसरा उन्होंने कहा डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन सारी चीजें देख रहा था, उन्होंने कहा नहीं बायफर्केट कर दिया जाए, स्टेट डिपार्टमेंट जो है पॉलिसी मेकिंग बनाए, डायरेक्टर एजुकेशन लुक आफ्टर द ऑपरेशंस करें, SCERT स्टेट या NCERT एकेडमिक्स को देखें और एक मिनिमल स्टैंडर्ड सेट किया जाए फॉर द स्कूल्स, साथ साथ रैंडम सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट्स कंटिन्यूस फीडबैक के लिए एंड सेल्फ डिस्क्लोजर, साथ में बुक प्रमोशन पॉलिसीज एंड डिजिटल लाइब्रेरीज को दिया जाएगा, देन इनोवेटिव पेडागॉजीज एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड इंटीग्रेटिंग इंडियन आर्ट स्पोर्ट्स एंड IIT प्लस क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर दे रहे हैं, ओपन स्कूल जो NIS था उसको भी एक्सपेंड कर दिया जाएगा, वोकेशनल कोर्सेज और कोर्सेज जो है ग्रेड 5-6 और 3rd, 5 and 8 को भी दिए जाएंगे, एडल्ट एजुकेशन पे भी फोकस किया गया है टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए और नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बने फॉर एडल्ट एजुकेशन ऑल्सो। दूसरी चीज कही है इक्वल स्कूल शुड गेट इक्वल और एवरीबडी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, कोई भी किसी भी कहीं का वुमेन है पुअर है माइनॉरिटीज हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए स्कूल्स में, जो कि यशपाल ने कमेटी ने GS वर्मा कमेटी ने भी कहा था, तो देखते हैं कहां तक स्कूल लागू करता है। दूसरा उन्होंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द सेंटर, पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम था बल्कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया था एजुकेशन मिनिस्टर आ गए इसमें, प्लस एमिनेंट एजुकेशनल पर्सनैलिटीज और स्टेट्स के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज उन सबको उसमें इंक्लूड किया जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर GST की तरह काउंसिल की तरह इसमें सारे एजुकेशन मिनिस्टर को स्टेट्स के इंक्लूड कर लेते तो बहुत अच्छा रहता, तो ये भी माना जा रहा है कि डायल्यूट करने का स्टेट्स की पावर, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में
एजुकेशन, तो स्टेट्स पे पॉलिसी बनाया, तो ये डायल्यूट करने की कोशिश है स्टेट्स की पावर को, देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। दूसरा क्या है, 6% GDP का इसमें स्पेंड किया जाएगा, जो 4 या 5 के आसपास या 3 या 4.5 के आसपास है। दूसरा प्रोविजन किया गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 20% शुड बी गिवन टू द एजुकेशन, जो अब 10% के बीच में, तो उसमें देखना है कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते हैं। लोग कुछ लोगों का कहना है कि जब गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो इन सब चीजों में कैसे होगा, कुछ नहीं तो कहा जाए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है टीचर्स को कम तरह समझता है, तो टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो हेड है वो खड़ा नहीं जाता टीचर को देख के उसके ऑफिस में, अगर टीचर आता है तब तक कुछ नहीं हो सकता, जब तक टीचर को सम्मान नहीं मिलेगा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव नहीं हो सकता, कुछ लोग एक्सपर्ट्स का कहना है। तो पहले टीचर्स का सम्मान किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, क्योंकि फिनलैंड का मॉडल का कहा किसी ने कि फिनलैंड में टीचर VVIP जो है वो टीचर है, उसका बहुत लोग नाम लेते हैं, वहाँ गए भी चेक देख के भी आए वहाँ के एजुकेशन सिस्टम, तो अगर वह VVIP हम टीचर्स को नहीं बनाएंगे तब तक स्कूल में डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो वो भी एक सजेशन है, वो भी एक लोगों ने कहा कि इस पॉलिसी में होना चाहिए था, लेकिन अभी देखना है कि कितना इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कितना नहीं करते हैं। क्योंकि माना जा रहा है कि जब रीजनल लैंग्वेजेस का है वो बहुत बहुत मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि स्कूल इंग्लिश स्कूल को कोई नहीं ला सकता, प्लस जो नॉन परफॉर्मिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उन पर स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं बीएड के दूसरे उनमें किसी भी हाथ लगाने के नहीं, क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर्स बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के वो इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें को हाथ लगाना किसी की बस की बात नहीं है, तो ये पेपर में ही रह सकता है, उसका आगे कुछ नहीं सकता। तो देखना आगे जाके कितना अलाउ करते हैं कितना नहीं करते, तो देखने वाली बात होगी कब वो लागू होता नहीं होता, नहीं होता कितनी होती। पेपर पे तो बहुत अच्छी है एजुकेशन पॉलिसी, बट आगे जाके इम्प्लीमेंट क्या होता कितना कर पाते, 6% GDP का दे भी पाते नहीं दे पाते, वो अभी देखने का होगा। तो ये माना जा रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी है कमर्शियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही, उसको इम्पोर्टेंस दे रही है और एजुकेशन महंगी होने वाली है। दूसरा ये माना जा रहा है जो बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, इसमें अपने अपने आदमियों को या RSS के आदमियों को उसमें भर्ती करके उसका भगवाकरण करने की कोशिश भी है, कुछ लोगों का कहना मानना है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। कैरिकुलम में भी वो कह रहे हैं कि एग्जाम्स की दो तरह के एग्जाम होंगे, 12th में और 10th में, जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा एक टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव, और उसमें वो सब्जेक्ट लिए जाएंगे जो कंसेप्चुअल एनालॉजी और एप्लीकेशन के बेस पे उनको इवेल्युएट किया जाएगा। तो देखते हैं उसमें कितना होता है, रिडक्शन करा जाए कैरिकुलम में टू द कोर सब कॉन्सेप्ट ओनली, उसके अलावा इसमें इंडियन कल्चर और एथोस को एट ऑल लेवल भी इंटीग्रेट किया जाएगा। तो अब देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता, जब आती है सामने फुल पॉलिसी एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होती है तो देखना होगा कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अभी तो एक ड्राफ्ट है, इसमें से कितना इम्प्लीमेंट होता है कितना नहीं होता। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो रहेगा, इसमें जेंडर इंक्लूजन फंड फ्रॉम KGS टू अप टू क्लास 12th, जिसमें उन लोगों को जो डाउन ट्रॉडन है जो नहीं है उनको स्कॉलरशिप की प्रोविजन दी जाएगी, तो वो बढ़ा दिया गया फ्रॉम KG टू 12th क्लास। ये भी एक अच्छा स्टेप है, बट आगे देखते हैं होता क्या है। UGC को भी मर्ज किया जा रहा है दूसरी RCET बना के, क्योंकि UGC अभी तक सारा यूनिवर्सिटी का देख रहा था, ग्रांट भी देना है, उसके एस्टेब्लिशमेंट भी है, कैरिकुलम भी है, पेडिगॉजीज भी हैं, सर्कुलर्स भी हैं, सारी चीजें देखी जा रही थी, तो उसको मिला के एक अलग बना दिया जाएगा, जिससे कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग स्टेट डिपार्टमेंट देख सकें। तो UGC का खत्म करके उसको मर्ज किया जा रहा है दूसरी एक नई कमेटी बना के, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा उन्होंने स्पर्क, जिसमें असेसमेंट किया जाएगा कि कितना स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी कितनी नहीं कर रहे हैं। ये सब देखने की बात है, आगे जाके देखेंगे क्या होता है, इम्प्लीमेंट होती भी है नहीं होती है और कितनी होती है कितनी नहीं करते हैं, क्योंकि लॉ बाइंडिंग नहीं है, 10 साल बाद हो 5 साल बाद हो 3 साल बाद हो 4 साल बाद हो नहीं भी हो, तो देखते हैं। पेपर भी बहुत अच्छी है बट एक्चुअल में क्या होता है वी विल सी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ऑल्सो।